दसवीं क्लास में पढ़ता हूँ। आज मैं संविधान की उद्देशिका का वाचन करूंगा। तो ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1929 मित्रपास के शुक्ल 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। धन्यवाद। प्रैम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉम्ली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजंस जस्टिस सोशल इकोनॉमिक and political liberty of thoughts, expression, belief, faith, worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this constitution. Thank you. Jai Jijau, Jai Shivraya, Jai Samvidhan. साथियों, जैसे इस प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है, इस मंच का क्या उद्देश्य है, इसको हमारे संचालक महोदय देव प्रताप जी ने स्पष्ट किया। कार्यक्रम का शुरुआत करने से पहले मैं बेटा बंस से बोलूंगा। बंस ने जो प्रस्तावना हिंदी में पढ़ा है उसमें थोड़ा उनको करेक्शन करना पड़ेगा, वो पुराना कहीं से पढ़े हैं। इंग्लिश में जो बेटी दिव्यांशी ने पढ़ा वो एकदम सही। कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी जो लिखा हुआ है ये ब्राह्मणवादी शब्द आगे लिखा हुआ है, ऐसा ओरिजिनल संविधान में कहीं पर नहीं है, तो उसमें करेक्शन कर लें। दूसरा आप खोज लीजिएगा, वो ऐसा नहीं है। और जहाँ पे पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ होगा वो भी गलत है, धर्म निरपेक्ष वाला। तो ऐसा हमारे बच्चे लोग प्रयास करें जो सही जानकारी है, हम गार्जियन को भी मदद करनी पड़ेगी। तो इसी के साथ मैं चाहूंगा अभी आज इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालन से पहले हम अपने ये जो फोर्टनाइट चल रहा, जो ये पखवाड़ा चल रहा, इस पखवाड़ा में 3 जनवरी से लेके अभी 12 जनवरी तक ये एक तरीके से ये जिजाऊ महोत्सव कहलाता है, जिसको आर्गनाइज मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड, जिजाऊ माता ब्रिगेड, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भगत सिंह विद्यार्थी परिषद, ये सभी जो मराठा सेवा संघ द्वारा संचालित है, इसको बड़े स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर ना होके केवल महाराष्ट्र से, इसको राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा, ताकि हम आज जिन्हें राजमाता कहते हैं वो राजमाता नहीं, वो राष्ट्रमाता है। राष्ट्रमाता के रूप में हमें जिजाऊ माता को स्थापित करना है, जो छत्रपति शिवाजी छत्रपति के टीचर भी थी, एक मार्गदर्शक भी थी, गुरु भी थी, जो भी कहिए सब कुछ थी। ऐसे शूरवीर छत्रपति महाराज को, ऐसे साहसी, ऐसे पराक्रमी को जन्म देने वाली, और ऐसे पुपोत्र संभाजी महाराज जो उनके पोते थे, उनको परवरिश, उनकी दादी होने का सौभाग्य जो मिला, ऐसे माता को हम नमन करते हैं। ये बड़ा सुंदर सराहनीय कार्य है, और ये पखवाड़ा 9 दिन तक नवरात्रि के रूप में, जिसको नवरात्र बोलते हैं, नवरात्र मतलब वो नवरात्र नहीं, हमारे जो नौ माताएं हैं सावित्री बाई फुले से लेकर हमारी जिजाऊ माता तक वो होती है, इसमें शेख फातिमा जिनका आज जयंती है उनको मैं नमन करता हूँ, जो शिक्षा की देवी सावित्री बाई फुले हैं, उनकी सहयोगी और प्रथम मुस्लिम शिक्षिका थी, जिन्होंने
हर रास्ते पे चलकर उनका साथ दिया। आप अंदाज लगा सकते हैं कि आज की स्थिति में भी मुस्लिम समाज में भी महिलाओं की क्या स्थिति है, कि शिक्षा का क्या अधिकार है उनको। अभी भी जो शिक्षा है, जो आधुनिक शिक्षा है, उससे अभी भी बहुत से लोग वंचित हैं। तो उस समय क्या स्थिति रही होगी जब शेख फातिमा जी उनके साथ शिक्षा को प्रचार प्रसार में मदद की, स्कूल में पढ़ाने में। स्कूल में उस समय शिक्षक नहीं मिला करते थे, तो ये काफी मतलब विचार का विषय है, सोचनी विषय है, और कहां से कहां हम पहुंच गए। इसलिए हमारे मातृशक्ति बेटियों को बिल्कुल आगे आना चाहिए। ये माताएं ये हमारे लिए मार्गदर्शक हैं, यही असली शिक्षा की प्रतिमूर्त है, शिक्षा की प्रतिगामी जो भी हम कहें मार्गदर्शक हैं। ये हमारे ही राष्ट्र माताएं हैं ये सब। तो साथी इनको याद कर दो। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा, हमारे सिख खालसा पंथ के स्थापना करने वाले दसवें सिख गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व है, उनकी जयंती है, उनको भी मैं नमन करता हूँ साथियों। और जो ये प्रोग्राम है शेख फातिमा मापे, जैसा देव प्रताप जी ने बता चुका, हम लोगों ने इन पर प्रोग्राम कर चुके हैं वेबिनार, और अभी हो सकता आने वाले समय में हम रिपीट करेंगे इन्हें। और माता जीजाबाई, इन्हें जीजाऊ माँ भी कहते हैं, जो जाधव यानी यादव समाज से थी, यादव और कुणवी समाज दोनों का कम्बिनेशन था साथियों। ये इतिहास हमें बताता है और इतिहास से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि रोटी बेटी का संबंध हमारा पहले भी था और अभी है, तभी समाज संगठित होगा। और जहां तक जिजाऊ माता की जयंती अभी 12 जनवरी को है, कनाते साहब उसको क्लियर करेंगे एम आई रॉन्ग, तो उस परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ पे उनको रखे हैं, उनके बारे में जानेंगे, हमारे साथी लोग जानेंगे, और साथ में कैसे हम अपने समाज के पिछड़े समाज के ओबीसी के हक अधिकारों में हम कहाँ पिछड़ रहे हैं साथियों। देखिए अभी जाति जनगणना की बात हो रही थी, उसे केंद्र सरकार ने 31 तक निरस्त करने का ऐसा समाचार आ रहा, अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए। अभी जो त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव मध्य प्रदेश में हो रहे थे, उसमें जो ओबीसी की जाति जनगणना का दिया गया विश्लेषण, जो आधार जो आंकड़ा दिया गया वो 39% बताया गया, जबकि मध्य प्रदेश शासन द्वारा 51% ये आंकड़ा दिया गया, जो जिले स्तरीय पर जनगणना के आधार पे था और ये पंचायत स्तरीय। तो डेटा कहीं ना कहीं ये लोग मैनिपुलेट कर रहा और कम दिखाने कर रहा, वास्तविकता में हम लोग 60% से ऊपर है। मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया की बात छोड़ दीजिए, कहीं ब्राह्मणवादी अमनवादी भ्रमित है। तो इसीलिए ओबीसी अधिकार मंच की ये पहल है कि हम सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक हर पहलू पे जहाँ पे हम पिछड़े हैं वहाँ पे आगे आके समानता बंधुता भाईचारे को स्थापना करते हुए हम उस ओर अग्रसर करें, अपने समाज अपने राष्ट्र को एक उन्नतशील राष्ट्र बनाए, हमारा समाज उभर करे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देव प्रताप जी। संत नामदेव, संत तुकाराम महाराज, संत गाड़गे महाराज, इन सभी मानवतावादी महापुरुषों को नमन करता हूँ, तथा आज गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती एवं फातिमा शेख इनकी भी आज जयंती है, उनके निमित्त मैं उन्हें विनम्र अभिवादन करता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज एवं छत्रपति संभाजी महाराज, इन दो वीरों को इतिहास पुरुष बना चुकी राष्ट्रमाता, राजमाता, लोकमाता जिजाऊ मां साहेब, विश्व वंदनीय जिजाऊ मां साहेब को मैं सबसे पहले नमन और वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज का विषय राष्ट्रमाता जिजाऊ मां साहेब के ऊपर है, जिन्होंने इतिहास में दो पुरुषों का निर्माण किया, वो छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज। हम इनकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि को, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करेंगे, और उसको यदि हम आज की तारीख में उसको अमल में लाने का यदि थोड़ा थोड़ा भी हम प्रयास करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें समझ में आने लगेगी। राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ, इनका जन्म 12 जनवरी 1598 को बुलढाणा जिले के सिंधखेड़ राजा नाम के एक गांव में होता है। लखुजी राजे जाधव उस समय
यादव, जिनको जाधव कहा जाता है, यादव, जाधव, भोसले, कुनबी, ये सब उस समय के सतवाहन कुल के ही लोग हैं। मौर्य साम्राज्य की तरफ यदि हम जाते हैं, मौर्य साम्राज्य की तरफ, तो ये मौर्य साम्राज्य के पश्चात ही सतवाहन कुल का निर्माण हुआ और इसी में ये जाधव कुल और कुनबी ये इसी कुल में एक आते हैं। तो हम इनकी थोड़ा सा जिजाऊमा साहब की पृष्ठभूमि के बारे में देखते हैं। तो लखुजी राजे जाधव, ये एक जो घराना था उस समय में 1500 ईस्वी में निजाम शाह, आदिल शाह और एक तीन जो घराने थे मुगलों के, एक मुगल शाह, ये तीनों जो सल्तनतें थी, आदिल शाह, मुगल शाह, निजाम शाह, ये तीनों जो सल्तनतें थी, इस तीनों सल्तनतें पूरे भारत के ऊपर राज्य इनका राज्य स्थापित था, मुगलों का राज्य स्थापित था। उस समय में निजाम शाह के यहाँ और आदिल शाह के यहाँ, निजाम शाह के यहाँ यदि हम देखते हैं तो भोसले कुल के लोग, यानी कि शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी राजे भोसले के पिताजी मालसाजी राजे, ये निजाम शाह के यहाँ थे। और जिजाऊमा साहब लखुजी राजे जाधव, ये आदिल शाह के यहाँ सरदार भी, यानी कि उस समय में ऐसा कहा जाता है कि ये उस समय के उनके यहाँ के मालगुजार, आज की तारीख में यदि हम कहें तो ये उनके यहाँ के मालगुजार लोग थे, यानी एक परगने के तहत, परगना यानी मालगुजार, कुछ गांव की ये वहां पर मालगुजारी करते थे। तो शाहजी राजे पूरे भारत के ऊपर या पूरे अपने क्षेत्र में उनका एक शोषण, जिसको कहा जाए बहुत जोर और जबरदस्ती के तहत शोषण किया जाता था कर के रूप में। उस समय में जिजाऊमा साहब का जन्म 1598 में होता है 12 जनवरी को, और शाहजी राजे भोसले का जन्म 1594 में होता है। एक प्रसंग के तहत यदि हम देखते हैं तो जिजाऊमा साहब का जो जीवन संघर्ष है, एक मालगुजार के यहाँ था, शाहजी राजे का भी एक मालगुजार के यहाँ पैदा हुए थे, लेकिन उनका जीवन संघर्ष यदि हम देखते हैं तो जीवन संघर्ष बहुत ही संकट और संघर्ष के साथ बीता। जब जिजाऊमा साहब 3 वर्ष की थी उस समय में लखुजी राजे जाधव की गोद में बैठ करके ये खेला करती थी, उसी समय में मुलाकात के लिए मालोजी राजे भोसले बुल्ढाना में, जब उनके यहाँ सिंधखेड़ राजा गए तो उनके साथ में शाहजी राजे भी भोसले जाते हैं। उस समय खेलते खेलते बच्चे, जिस तरह से रंग पंचमी का दिन था, उस रंग पंचमी के दिन ये मुलाकात के लिए जाते हैं, तो ये दोनों जब खेलते हुए दिखाई देते हैं तब लखुजी राजे की गोद में जिजाऊमा साहब बैठी रहती है, और जिजाऊमा साहब से और शिवाजी महाराज, शाहजी राजे, इन दोनों की आमने सामने मुलाकात होती है, तो खेल खेल में बच्चों में वो गुलाल उनके ऊपर डाल देती है, उसी तरह से शाहजी राजे भी उनके ऊपर गुलाल डालते हैं। तब लखुजी राजे जाधव वो कहते हैं एकदम से, अचानक से, ये जो पुत्र है शाहजी राजे, ये बड़े सुंदर है, हस्तपुष्ट भी है, तो इनका विवाह कर दिया जाए, ऐसा उनके मन में आता है। और वो अपने जो बैठक होती है उस बैठक में वो अपना प्रस्ताव रख देते हैं। इस प्रस्ताव को मालोजी राजे भोसले स्वीकार कर लेते हैं। 3 वर्ष की जिजाऊमा साहब और 7 वर्ष के शाहजी राजे भोसले, केवल सिर्फ ये किया जाता है कि इनका विवाह किया जाएगा, ऐसा उन्होंने उस समय में, इनकी जोड़ी बहुत अच्छी होगी, इस तरह से अपना उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था। अब आगे चल करके शिवाजी राजे, अपने शाहजी राजे भोसले के पिताजी मालोजी राजे और लखुजी राजे, ये दोनों अलग अलग निजामों के यहाँ थे, एक निजाम शाह के यहाँ, एक आदिल शाह के यहाँ अपनी जागीरदारी करते थे। तो किसी वजह से आगे चल करके थोड़ा सा मनमुटाव होता है। मनमुटाव होने के बावजूद भी जो वचन एक उस समय में दिया जाता था, वो वचन के हिसाब से उन्होंने शादी की थी। उसमें लखुजी राजे की पत्नी यानी कि जिजाऊमा साहब की माताजी उसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन बावजूद उन्होंने अपना वचन दिया था, उस वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने शाहजी राजे भोसले के साथ में इनका 11 साल की उम्र में इनका विवाह हो जाता है। लेकिन उसी समय में पारिवारिक स्थिति जो होती है दोनों के यहाँ की,
निजाम शाह और आदिल शाह की वजह से उन दोनों के बीच में खटास पैदा हो जाती है। जब इन दोनों की शादी होती है तो उसी समय में ये अपने परगने में या अपने क्षेत्र में, जो क्षेत्र उनका देवलगिरी का क्षेत्र था, उस देवलगिरी के क्षेत्र में ये भ्रमण के लिए निकलते हैं। जब भ्रमण के लिए निकलते हैं दोनों, तब वो देखते हैं अपनी जनता का दर्द, देखते हैं उसको, महसूस करते हैं, तो उनके मन में एक निर्णय आता है कि क्यों ना हम अपनी इस जनता के लिए अपना एक खुद का स्वराज्य का निर्माण करें। और स्वराज्य की संकल्पना वहीं से उनके मन में निर्माण होती है। जब निर्माण उनके मन में होती है तो उसके लिए त्याग और समर्पण की यदि कोई प्रतिमूर्ति यदि हम कहते हैं तो जिजाऊ माँ साहब है। हम आज की तारीख में महिलाओं के लिए हम क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, तो महिलाओं से हम यही प्रेरणा देना चाहेंगे, सबसे पहले त्याग और समर्पण। तो त्याग और समर्पण क्या है आज की तारीख में, हमने ये नहीं कहेंगे कि जिस तरह से जिजाऊ माँ साहब ने त्याग किया, सावित्री बाई फुले ने त्याग किया, या फिर फातिमा शेख ने भी जो त्याग किया, और भी महिलाओं ने जो त्याग किया, उतना आपको त्याग करने की जरूरत नहीं है। जिजाऊ माँ साहब के त्याग का उस समय देखते हैं तो जिजाऊ माँ साहब की जब शादी होती है, भ्रमण के लिए निकलते हैं, उसके पश्चात स्वराज्य के संकल्पना उनके मन में आती है, एक संकल्पना आती है कि इस तरह से अपने को अपना स्वराज्य का निर्माण करना है। उस संकल्प लेते हैं कि हम इसका निर्माण करेंगे अपने स्वराज्य का, तो क्या करना होगा। आदिल शाह यहाँ जब ये लखुजी राजे बहुत आती है तो आदिल जो निजाम शाह है वो उनको वहां का जागीरदार नियुक्त कर देते हैं, उनको हटा करके वहां कर्नाटक की में भेजा जाता है। तो इस तरह से कर्नाटक से महाराष्ट्र, आंध्रा महाराष्ट्र, आंध्रा कर्नाटका महाराष्ट्र, इस तरह से इनको मतलब निजाम शाह जो है वो परेशान करते थे। तो ये सब सारी चीजें देखते हुए उनका 3-4 साल का समय निकला। पहला एक पुत्र हुआ जिसका नाम था संभाजी। जिजाऊ माँ साहब को जो पहला पुत्र हुआ था उसका नाम था संभाजी। वो और बाकी 3 और पुत्र हुए थे, 3 लड़कियां हुई थी, वो अकालीन उनकी मृत्यु हो गई थी, और 5वें नंबर पे छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म होता है। तो जो पहले जो पुत्र थे वो संभाजी राजे थे, और दूसरे जो पुत्र थे वो उनका नाम शिवाजी महाराज था। साथियों, जब शिवाजी महाराज उनके पुत्र संभाजी महाराज भी ज्यादा दिन अधिक दिनों तक वो जीवित नहीं रहे, कुछ समय में ही उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी। शिवाजी महाराज अकेले बचे थे। अब शिवाजी महाराज के द्वारा जिजाऊ माँ साहब ने संकल्प, शाहजी राजे ने संकल्प लिया कि हम अपने बेटे के द्वारा अपने बेटे के द्वारा अपना स्वयं का राज्य स्थापित होना चाहिए, स्वराज्य का निर्माण होना चाहिए, वो हम उनके द्वारा पूरा करना है। उसके लिए देखिए, उसके लिए किस तरह से वो अपना संघर्ष, अपना त्याग देते हैं। तो जिजाऊ माँ साहब और शाहजी राजे कर्नाटक में चले जाते हैं, बेंगलोर में चले जाते हैं, और शाहजी जिजाऊ माँ साहब जब यहाँ आती है पुणे के शिवनेरी किले में गर्भवती अवस्था में, तो गर्भवती अवस्था में यहाँ आती है शिवनेरी किले पर, तो उस समय में एक गर्भवती थी, उसी समय में उनको निजाम के द्वारा शाहजी राजे को वापस कर बेंगलोर जाना था। तो उसी समय में जब वो छोड़ने के लिए उनको आए थे सिंधखेड़ राजा, तो निजाम ने उनको बीच में ही तुरंत आदेश दिया कि आपको तुरंत बेंगलोर जाना है। तो शाहजी राजे भोसले ने जिजाऊ माँ साहब से ये बात कही, और जिजाऊ माँ साहब ने वहीं पर उन्होंने कहा कि आप मुझे यही छोड़ दीजिए, मैं अपने सिंधखेड़ राजा चली जाऊंगी। जब वो सिंधखेड़ राजा चली गए और शाहजी राजे भोसले वहीं से वापस हो गए, तब उसी लखुजी राजे जाधव जो कहते हैं कि तुमको उसे यहाँ तक ला करके छोड़, उनको यहाँ तक तुम्हें इस तरह से उस पर जिजाऊ माँ साहब ने कहा था, मेरी जब शादी हुई तो मैं अब भोसले कुल की हो गई हूँ, जाधव कुल की नहीं हूँ, मुझे वहां पर मुझे अपना जो भी कुछ करना है वो मैं सिर्फ भोसले परिवार के लिए करूंगी। इसीलिए वो भी फिर वहां पर वहां से निकल करके सीधा अपने भोसले कुल के जो इंद्र था उस कुल में शिवनेरी किले में वो वहां जाती है, और उसके बाद में शिवाजी महाराज का जन्म होता है। अर्थात मात्र प्रेम का स्रोत, यदि हम ऐसा कहें कि मात्र और प्रेम का स्रोत
ममता की यदि कोई वो है, तो उन्होंने अपने मायके को भी, उन्होंने ससुराल और मायके का यदि हम दोनों चीजें देखते हैं तो दोनों के बीच में संघर्ष का जीवन है। मायके में संघर्ष है तो ससुराल में भी संघर्ष है। ससुराल वाले भी संघर्ष के तहत तो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके यहाँ भी उन्हें संघर्ष झेलना पड़ रहा है और मायके में भी उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। तो जब शिवाजी महाराज 3 वर्ष के होते हैं बाबा उस समय में, तब तक भी आप हमें ये सीखने को मिलता है। हम केवल सिर्फ महिलाओं से ही कहे कि आप सिर्फ जिजाऊ बने, तो पुरुषों से भी हमें ये कहना चाहिए कि आप भी सहाजी बनकर के देखिए, आप भी मालो जी राजे बनकर के देखिए। शिवाजी उनको सीखने के लिए मिलती है। राजे अपने बेटे का मुंह तक नहीं देख पाते हैं, वो अपने आवाज आ रही है। हेलो जी सर, जी सर आवाज आ रही है, स्पष्ट आ रही है। हाँ, तो उनसे हमें यह सीखने को मिलता है कि त्याग कैसे किया जाता है और किसके लिए त्याग करना है। त्याग उन्होंने ये देखा था कि स्वराज्य का निर्माण करने के लिए, अर्थात हमारे समाज के लिए, अपने दीन दुखी और गरीबों के लिए त्याग करना है। उसके लिए हमें शिवाजी का निर्माण करना, बोलते और लिखते आती थी। जब ये चार चीजें और बाकी युद्ध कला की सारी नीतियां ये उन्होंने पहले ही सीख ली थी, तो वही चीज अपने बच्चे के अंदर, शिवाजी महाराज के अंदर चीजों को सिखाते समय में पारिवारिक संकट और आते रहे। पारिवारिक संकट में ये देखा गया कि उसी समय में जब शिवाजी महाराज 6 साल के हुए, तब वो अपने शिवाजी महाराज को मायके में जब लेकर के आती है, तो उसी समय में उनके पिता लखुजी राजे जाधव और उनके दो 3 भाइयों को आदिल शाह के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। तो उनके चाचा जो रहते हैं वो उनकी राज्य को वो फिर देखने का काम करते। इस तरह से यदि हम देखते हैं तो निजाम शाह आदिल शाह इन दोनों के पारिवारिक झगड़ों के लिए जिम्मेदार था। उन्हें पता था कि निजाम शाह की वजह से, आदिल शाह की वजह से हमारे दोनों परिवारों के बीच में वैमनस्य है, और तो इस वैमनस्य को खत्म कैसे किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने यही संकल्प लिया था कि हम अपना स्वयं का स्वराज्य का निर्माण करेंगे। शिवाजी महाराज का फिर जन्म होता है। जन्म होने के बाद में 6 साल की उम्र तक उनको भी ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। तो शिवाजी महाराज से यही रहता है कि शिवाजी महाराज जितने जल्दी बड़े हो जाए और अपना राज्य, तो अपना स्वयं का राज्य का निर्माण करे, ये उनके लिए वो प्रेरित करते रहते हैं। अब देखिए कि शाहजी राजे भोसले और जाऊ मां साहब जो है वो सिवनेरी किले पर, पूना के पास में, वो सिवनेरी किले पर जब वो 3 साल के थे, तब जिजाऊ मां साहब खुद शिवाजी महाराज को कर्नाटक बेंगलुरु में शाहजी राजे से मिलाने के लिए ले जाती हैं, और केवल सिर्फ 2 साल उनके पास में वहां रह करके 2 साल के बाद में फिर वापस शिवनेरी किले में आते हैं और स्वराज्य का निर्माण करने के लिए प्रेरित करते हैं। उसी समय में जिजाऊ मां साहब शाहजी राजे की एक शादी शाहजी राजे की एक शादी वहां पर की जाती है, और उनसे बेंगोजी राजे भोसले, उसकी माता जी का नाम था गोदावरी, उनसे उनकी शादी होती है, और शादी होने के बाद में उनसे बेंगोजी राजे होते हैं, जो कर्नाटक के आज की तारीख में यदि हम देखते हैं तो कर्नाटक और बेंगलोर के उस समय में वहां के वो राजा हुआ था, जिस राजा बनाया गया था उनको भी, और शिवाजी राजे को महाराष्ट्र में। जो सबसे ज्यादा यदि कोई यदि राज्य का निर्माण किया, तो केवल सिर्फ जो वेंकोजी राजे थे वो केवल शाहजी राजे की जितनी मालगुजारी थी केवल उतने पर ही उनका राज्य सीमित था, लेकिन शिवाजी राजे ने स्वयं का राज्य 12 साल की उम्र में निर्माण करना शुरू कर दिया था। उन्होंने सबसे पहला एक पन्हालगढ़ का किला जो था, वो पन्हालगढ़ का किला जीता। उसके लिए प्रेरणा यदि किसी से मिली, प्रेरक यदि कोई थी, तो वो जिजाऊ मां साहब थी। तो जिजाऊ मां साहब ने उनको प्रेरित किया अपना राज्य निर्माण करने के लिए, क्योंकि एक पहल और दूसरा पहलू हम ये भी देखते हैं। दूसरा पहलू यह था कि अंधविश्वास और पाखंड जो ब्राह्मणों के द्वारा निर्मित किया गया था, पंडे पुजारियों के द्वारा जो शोषण होता था, एक निजाम शाह से शोषित थे, आदिल शाह से शोषित थे, उसके अलावा यहाँ की जो जनता थी धर्म के आधार पर इनका शोषण होता था। तो पहला उस समय में एक हुआ था कि एक पन्हालगढ़ का किला जीतने के बाद में आदिल शाह और निजाम शाह, ये सारी जितनी भी शाह थी, वो
एक तरह से विरोध में इनके खड़े हो चुकी थी। तब तक शिवाजी महाराज अपनी सेना का धीरे धीरे करके निर्माण कर रहे थे और सामाजिक जो स्थिति थी उस सामाजिक स्थिति से निपटने के लिए जिजाऊ मां साहब एक तरह से हम ऐसा कहे कि वह जो समाज सुधारक यदि कहे तो वो समाज सुधारक भी थे। उनके राज्य में ये होता था सती प्रथा, आपने नाम सुना होगा सती प्रथा का। हमको ये इतिहास में बताया जाता है कि राजा राम मोहन राय ने 1817 में सती प्रथा का के खिलाफ आंदोलन किया और अंग्रेजों ने उसको खत्म किया। लेकिन यदि हम इतिहास में यदि जाकर के देखते हैं तो जिजाऊ मां साहब ने सबसे पहले इसके खिलाफ यदि सामाजिक सुधार के आंदोलन में यदि सामाजिक सुधार के लिए सबसे पहला यदि कार्य उन्होंने किया था तो सबसे पहला सती प्रथा के विरोध में किया था। तो उनके राज्य में उनके क्षेत्र में सती प्रथा जो थी वो बहुत ज्यादा चरम पर थी। अब सती प्रथा में आपको पता ही है कि सती प्रथा में क्या होता है, पति की मृत्यु के बाद ठीक है महिला को यानी कि उसको पूरे श्रृंगार के साथ में उसको चांदी के आभूषणों के साथ किया जाता है और पति के साथ में उसको सती किया जाता है, जलाया जाता है। अर्थात जो पूरे आभूषण जो रहते थे वो सब आभूषण उसके बाद में लूट खसोट करके ये सारा आपको सती प्रथा का जो प्रथाएं जो है उन प्रथाओं में आपको पता चल जाएगा कि ये जो प्रथाएं थी नरबलि प्रथा, सती प्रथा, बाल्यावस्था की प्रथा, ये जो प्रथाएं जो थी उस समय में सबसे पहला विरोध समाज सुधार के रूप में यदि किसी ने किया तो जिजाऊ मां साहब ने किया। एक उनके राज्य में सती जा रही थी, एक तो इसका पति खत्म हो गया था तो उसको सती जाना था, उसके लिए प्रेरित किया गया। गांव के सारे लोगों ने जब ये बात जिजाऊ मां साहब को पता चली तो वो सीधा म्यान से तलवार लेकर के वो उस जगह पर पहुंचती है और पहुंच करके उसको सती जाने से रोकती है और रोकने के बाद में उसको उसका सारा जो भी चीज उसका जो बेटा था उस बेटे के पास में एक कला थी, उस कला के लिए उसको प्रेरित किया और अपने राज्य में उसको रखा। आपको लोग यदि हम ऐसा कहें कि जिजाऊ मां साहब केवल एक राजमाता है, राष्ट्रमाता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक लोक नेता भी। अब लोक नेता या हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो जो घटनाएं घटती और घटना के बाद में उस समय की जो शिवाजी महाराज के पास में बहुत सारी जो नीतियां थी, आज छत्रपति शिवाजी महाराज हमको विश्व के ऐसे राजा दिखाई देते हैं जिनके पास में जो युद्ध कला की जितनी नीतियां है और भी बहुत सारी चीजें हैं उनके पास उनके उसमें उस चरित्र में गुण में हमको जो दिखाई देती है वो किन किन चीजों का उपयोग करते थे। तो एक हमको ये दिखाई देता है कि उस समय में शाहिरी जो करते थे शाहिर के द्वारा यानी कि आप आज की यदि उस भाषा में अभी कहे तो प्रचार प्रसार के लिए वीर गाथा का जिस तरह से वो किया जाता है वादन के द्वारा, वाचन के द्वारा और दूसरा एक सांकेतिक भाषा के द्वारा उसका उपयोग किया जाता। आज की तारीख में तो सांकेतिक भाषा की कोई जरूरत नहीं लेकिन उस समय में एक सांकेतिक भाषा भी चलती थी। जो गुप्तचर हुआ करते थे आपने नाम सुना बहिर जी नाइकर, वो सबसे ज्यादा यदि उनका गुप्तचर में विशेष स्थान यदि किसी का शिवाजी महाराज के उसमें है तो बहिर जी नाइक का है, उनका भी एक अपना बहिर जी नाइक का इतिहास है। तो हम ये देखते हैं कि जिजाऊ मां साहब ने उसके बेटे को बचा करके उससे लोक कला के द्वारा शिवाजी महाराज के लिए पुआड़े गाने का काम शुरू करवाया। अर्थात सामाजिक सुधार की ओर हम देखते हैं तो जिजाऊ मां साहब अपनी कला के क्षेत्र में भी जितने जो लोग आते थे उन सबका सम्मान वो सोने जवाहरातों के साथ में किया करती थी। ये हमको उनके इतिहास में दिखाई देता है कि बहिर जी नाइक हो या फिर अन्य जो सांकेतिक भाषा में या फिर युद्ध के क्षेत्र में अलग अलग तरह के गुप्तचर जो उनको सारी चीजें सूचनाएं देते उनके क्षेत्र में वो हमको बताया जाता था कि उनका वो सम्मान करते थे। अर्थात हमको ये भी दिखाई देता है कि लोक कला के क्षेत्र में भी उनका एक विशेष योगदान हमको दिखाई देता है, समाज सुधार में हमको उनका दिखाई देता है। फिर उसके बाद में हम जो सबसे महत्वपूर्ण और चीजें हैं, हर समय जीवन में संकटों का सामना करना और उसको धैर्य और धैर्य के साथ में वीरता के साथ में कैसे उसको पार किया जाए ये हमको उनके इतिहास से दिखाई देता है। कि जब शिवाजी महाराज को औरंगजेब कैद कर लेते हैं आगरा में और जिजाऊ मां साहब पुणे के रायगढ़ किले में रहती हैं, उनको पता चलता है कि शिवाजी महाराज को कैद कर लिया गया। 2 महीने पहले से योजनाएं बनाते हैं
उस योजनाओं के तहत शिवाजी महाराज और जिजाऊ मां साहब के बीच में हमेशा वार्तालाप होती थी। राजनीतिक की समाज की कूटनीति की हर जो वार्तालाप होती थी, जिजाऊ मां साहब को शिवाजी महाराज अपना गुरु मानते थे और उन्हीं से वो सारी प्रेरणा लेते थे और उसी के अनुसार वो कार्य करते थे। तो जिजाऊ मां साहब और शिवाजी महाराज की औरंगजेब से मिलने के जाने से पूर्व पूरी तैयारी ये थी कि यदि औरंगजेब किसी तरह से शिवाजी महाराज पर वैसे सामने से हमला करेगा नहीं, लेकिन किसी भी कूटनीति के तहत कोई भी चीज यदि वो करता है तो उनसे वहां से वापस कैसे निकाला जाए, उसकी योजनाएं उन्होंने पूरी तरह से पहले से ही तैयार कर ली थी। उस योजना के तहत शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज औरंगजेब से मिलने के लिए जब जाते हैं, औरंगजेब से मिल करके फिर उसके बाद में औरंगजेब उनको आगरा की कैद में डाल देता है और संभाजी महाराज उस समय 9 वर्ष की उम्र के थे। अब देखिए जिजाऊ मां साहब ने शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज, अब संभाजी महाराज की माताजी का जो देहांत है वो 2 वर्ष की उम्र में हो जाता है, तो संभाजी महाराज की भी परवरिश जो है शिवाजी जिजाऊ मां साहब करती है और जिजाऊ मां साहब उनको 9 वर्ष की उम्र तक 6 भाषाओं को बोलना लिखना सिखा देती है। और शिवाजी महाराज संभाजी महाराज को औरंगजेब से मिलाने के लिए जब जाते हैं तो औरंगजेब के दरबार में शिवाजी महाराज का औरंगजेब अपमान करते हैं, वो अपमान संभाजी महाराज भी देखते हैं। उनको 9 भाषाएं उस समय में बोलते और लिखते आती थी, अपनी वाक्पटुता की वजह से शिवाजी महाराज औरंगजेब से उन्होंने बहस की थी। बहस करने के बाद में शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने जेल में डाल दिया और संभाजी महाराज छोटे थे, 9 वर्ष के थे, इसलिए उनको अपने जो उनका वो क्षेत्र था उस क्षेत्र में ही उनको रख देते हैं, उनको खुला छोड़ देते हैं और इनको अंदर कर देते हैं। 3 महीने तक शिवाजी महाराज अपनी योजना बनाते रहे और उस योजना के बाद में उसमें सहयोग यदि किसी का था तो संभाजी महाराज का था। अपने पिता को वहां से निकालने में यदि किसी को श्रेय यदि कोई जाता है वो संभाजी महाराज को जाता है। संभाजी महाराज अपने पिता को छुड़ा करके वो योजना के तहत संभाजी महाराज को वही छोड़ देते और शिवाजी महाराज अपने जिस जो योजना उन्होंने बनाई थी उस योजना के तहत यमुना से होते हुए बिहार से होते हुए वो 3 महीने में अपने किले पर पहुंच जाते हैं। और किले पर पहुंचने के बाद में जिजाऊ मां साहब पूछती है कि संभाजी कहाँ है, तो शिवाजी महाराज कहते हैं कि वो रास्ते में ही खत्म हो गए, जबकि संभाजी महाराज जीवित है। वो कहते हैं कि वो मेरा बेटा रास्ते में खत्म हो गया है। जिजाऊ मां साहब धैर्य के साथ में रहती है और वो समझ लेती है। समझने के बाद में फिर उनकी गुप्त वार्तालाप होती है और गुप्त वार्तालाप में बाकी जनता को यह पता चल जाता है, पूरे क्षेत्र में यह फैल जाता है कि संभाजी महाराज की मृत्यु हो गई है, शिवाजी महाराज वापस आ गए हैं। ये खबर जब औरंगजेब के पास में पहुंचती है तो वो शिवाजी महाराज को खोजने का और संभाजी महाराज को भी खोजने का वो प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि संभाजी महाराज को वहां से मथुरा में एक महाराष्ट्रीयन जो ब्राह्मण था उसके यहाँ पर संभाजी महाराज को उन्होंने छोड़ के गए थे और शिवाजी महाराज ने आदेश दे दिया था कि यदि संभाजी महाराज को कुछ होता है तो तेरा महाराष्ट्र का परिवार और यहाँ का परिवार सब कुछ खत्म कर दूंगा। इस तरह से उन्होंने उसको धमकी दे करके कि उन्होंने संभाजी महाराज को वहां रखा था और उनको 2 महीने के बाद में फिर वापस संभाजी महाराज को लेने के लिए गए और संभाजी महाराज को वापस लेके आए। लेकिन अफवाह देखिए, एक उस समय में संभाजी महाराज की भी यशुबाई के साथ में साथ उनकी शादी हो जाती है, तो एक महिला के ऊपर यदि ये किया जाए कि एक उनका नाती खत्म हो गया है और एक महिला जिनका पति खत्म हो गया है तो किस तरह से उनके ऊपर संकट आया होगा, ये कहने भर से प्रचार भर से। और ये प्रचार भी किस लिए, केवल सिर्फ अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए। उनका समर्पण देखिए, त्याग देखिए, केवल सिर्फ यानी कि ऐसा कहा भर है उन्होंने और कहने भर से उनको वो छोड़ा करके यहाँ ले आते हैं। तब बाद में उसको पता चलता है औरंगजेब को कि इस तरह से ऐसा हुआ, तो वो उनकी बुद्धिमता चतुरता के कायल हो गया था कि किस तरह से मेरी इतनी
लाखों की सेना के बीच में से मेरे इस जेल में से कैद में से शिवाजी महाराज बाहर आ जाते हैं और अपने बेटे को भी बाहर लेकर के आ जाते हैं, तो ये हमको दिखाई देता है उनमें कितना धैर्य और साहस कितना था, बुद्धि प्रामाण्यता कितनी थी, चतुरता कितनी थी। इसीलिए तो शिवाजी महाराज की जो युद्ध नीति थी, उस युद्ध नीति में जो अपने अलग अलग कलाओं का प्रयोग करते थे, युद्ध नीतियों का, वो विश्व के सभी ऐसा कहा जाए कि सभी जितने भी राजा है दुनिया में, जितने भी राजा हुए उनके जैसा शीलवान राजा, चरित्र संपन्न राजा, गुण संपन्न राजा, किसानों का किसानों के हित का प्रजादक्ष राजा, जो किसानों के लिए, गरीबों के लिए, दीन दलितों के लिए, वो वहां दिखाई देता है। केवल और केवल सिर्फ नीति और उनकी थी कि यानी कि यदि उनका कार्य और था कृषि के क्षेत्र से संबंधित ही था कि सबको अपने बराबर का हिस्सा और उनसे उसी तरह का कर या लगान वसूल करना, वो जो कार्य था वो उस समय में पटवारी के नाम से या कुलकर्णी, आज हम पटवारी जिनको कहते हैं, उस समय में वो कुलकर्णी हुआ करते थे, तो कुलकर्णियों के पास में दिया गया था। लेकिन सारा सब कुछ, एक जो सत्ता होती है, शासन होती है, प्रशासन होती है, वो निर्माण यदि करने का काम यदि किसी ने किया था तो वो शिवाजी महाराज ने किया था। तो शिवाजी महाराज की नीतियां जो थी वो किस उसके लिए प्रेरणा देने वाली यदि कोई थी, वो जिजाऊ महाशय। जिजाऊ महाशय से वो हर एक क्षेत्र में उनसे वो प्रेरणा लेते थे। दूसरा, और एक ताजी राजे की मृत्यु हो जाती है, अचानक से मृत्यु हो जाती है, अचानक से मृत्यु होने के बाद में वाई था पेशवाई से वापस फिर उन्होंने शुरू कर दिया था, जिसको सती प्रथा के नाम से कहा जाता है, फिर उसको अंग्रेजों ने समाप्त किया था। इस इतिहास को हमें समझना पड़ेगा, वहां से भी हम अपने इतिहास से सबक ले सकते हैं कि हमारे महापुरुषों ने इनकी कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए क्या क्या किया। दूसरा, जो संकल्प उन्होंने लिया था, 6 जून 1674 को शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करने के बाद, जब शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होता है, शिवाजी महाराज राजा बन जाते हैं, तो राजा बनने के बाद उनके अंतर्मन को, उनके अपने जो दूरदृष्टि थी, जो अपनी कल्पना थी, उस संकल्पना को साकार होते हुए उन्होंने अपनी आंखों से देखा। 6 जून 1674 को शिवाजी महाराज का भी राज्याभिषेक होता है, साथ में संभाजी महाराज का राज्याभिषेक भी होता है, उन्हीं के साथ में पुत्र का भी। अब देखिए, शिवाजी महाराज का जब राज्याभिषेक होता है, उस समय में विरोध करने वाला कौन था, ये हमको समझना पड़ेगा। विरोध करने वाला केवल और केवल सिर्फ इस देश के अंदर का पेशवा था, इस देश के अंदर का ब्राह्मण था, उन्होंने ही केवल शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का विरोध किया था। कोई पुर्तगालियों ने विरोध नहीं किया, अंग्रेजों ने विरोध नहीं किया, किसी मुसलमान ने विरोध नहीं किया, या तो केवल सिर्फ ब्राह्मणों ने, क्यों, ये हमको समझना पड़ेगा। क्योंकि जिजाऊ महाशय स्वयं धर्मावलंबी नहीं थी, वो भी केवल जो इनकी प्रथाएं थी उन प्रथाओं के विरोध में थी, इसी को समाप्त करने के लिए उन्होंने शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का संकल्प लिया था और उसको पूरा किया। चाहे उसके लिए धन समनों ने बहुत ज्यादा खर्च किया था, क्यों कर खर्च किया था, आज जिस तरह से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आज हम अपने लोगों को ब्राह्मणवाद से मुक्त करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम देखते हैं कि हम अपने ही लोगों का राजा तब तक किसी को नहीं मानती थी जब तक उसका राज्याभिषेक ब्राह्मणों के हाथों के द्वारा नहीं होता था, तो उनको राजा नहीं कहा जाता था। ऐसा इस तरह राजा बनने को मान्यता देने के लिए उन्होंने कई हजार स्वर्ण मुद्राएं दे करके गागा भट्ट नाम करके जो काशी से बुलाया गया था उस ब्राह्मण ने शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया था। और यह एक गलत यह चीज बताई जाती है कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक उसने दाएं पैर के अंगूठे से किया था, नहीं, यह इतना बड़ा सूरवीर राजा, महाप्रतापी राजा, पैसा देकर के यदि वो राज्याभिषेक कर रहा है तो इस तरह का अपमान तो वो नहीं सह सकते थे, ऐसा हमको लगता है। और ये जो इतिहास में जिस तरह से षड्यंत्रकारी, हम इसको कहेंगे कि जिस षड्यंत्र के तहत हमारे महापुरुषों का एक तो अपमान करने का हमेशा कार्य करते, वो 76 साल की उम्र में 10 दिन के पश्चात ही 16 जून 1674 को वो अपना देह त्याग देती है। शिवाजी महाराज के ऊपर का जो साया था, जो अपनी गुरु थी, वो 16 जून 1674 को उनका देहांत हो जाता है। सबक हमको क्या लेना चाहिए जिजाऊ माँ साहेब से, और शिवाजी महाराज के ऊपर जो उनका आश्रय था, उस आश्रय जो उनके ऊपर से
साया था वो शिवशक्ति को बंद करके मुसलमान जब पेशवाओं का राज्य आया जो शिवशक्ति को बंद करके इन्होंने फसली सन मुसलमानों के द्वारा दिया गया फसली सन को स्वीकार किया लेकिन शिवाजी महाराज के द्वारा किया अन्याय और अत्याचार किया मरने के बाद भी षड्यंत्र के तहत उनके इतिहास को आज की तारीख में भी कोई किसी तरह से और किसी तरह से बदनाम करने का वो काम करते हैं षड्यंत्र करते रहते हैं हमको इससे बचना चाहिए। जिजाऊ मां साहब से हमें केवल सिर्फ ये प्रेरणा मिलती है और यदि हम इनके ऊपर बोला जाए शिवाजी जिजाऊ मां साहब के ऊपर तो और आपको घंटों समय लग सकता है इसके ऊपर इनकी एक एक नीति के ऊपर कि हम किस तरह से वो मातृत्व की कर्तृत्व की प्रेमत्व की धनी थी गुणों से संपन्न थी संकट में किस तरह से कैसे बाहर निकाला जाए। जब आदिल शाह और आदिल शाह और शिवाजी महाराज की जब मुलाकात होती है तो हमको ये दिखाया जाता है कि आदिल शाह के साथ में इस तरह से ऐसा होता है उसको दिखाया जाता है। आप सोचिए कल्पना कीजिए अपने बेटे को एक माँ कहती है कि अब तुझे उसके पास जाना है और उसको पता है कि शिवाजी महाराज से 7 फीट ऊंचा है शिवाजी महाराज 5.5 फीट के है उससे वो लड़ने के लिए उनको कैसे भेजती है किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से उसका उसकी हत्या की जाती है उसको किस तरह से मारा जाता है ये हमको दिखाई देता है। तो उस समय में देखिए कि किस तरह से अपनी माँ एक बेटे को कहती है कि जा तू उसको मार के ये भी तो हो सकता है कि उसको अपने बेटे बेटे की लोग कहेंगे कि आपने बेटे आज की तारीख में यदि हम अपने बेटे से कहते हैं तो हम ये मत पार करो यहाँ ऐसा हो जाएगा वहां वैसा हो जाएगा इस तरह से हम भय दिखाते हैं अपने ही बच्चों के हम ऐसा नहीं करते हम आज की तारीख में हमको अपने बच्चों को क्या करवाना चाहिए क्या देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से केवल सिर्फ हम केवल इतना काम कर ले कि हम अपने बच्चों को एक भाषा की जगह मातृभाषा एक पहले सिखाना चाहिए मातृभाषा को पूर्णत्व देना चाहिए दूसरा अंग्रेजी तीसरा हिंदी और बाकी की और कोई यदि भाषा वो सीखना चाहे तो सीख सकता है लेकिन कम से कम 3 भाषाएं उसको आना चाहिए एक तो हिंदी मातृभाषा और उसके बाद में तीसरा जो है अंग्रेजी ये 3 भाषाएं उसको आना चाहिए क्योंकि अंग्रेजी जो है वैश्विक भाषा है उसे भी सुन कहीं भी जाएगा तो उसको क्योंकि हमको ये प्रेरणा मिलती है कि जिजाऊ मां साहब स्वयं 4 भाषाएं आती थी शिवाजी महाराज को 6 भाषाएं आती थी संभाजी महाराज को 14 भाषाएं आती थी और आपको आश्चर्य होना चाहिए इस बात का कि संभाजी महाराज इतने विद्वान थे इतने वीर थे एक हाथ में कलम और एक हाथ में तलवार 32 साल की उनकी आयु अब देखिए कि उन्होंने 14 भारत का सबसे कम उम्र का पहला साहित्यकार यदि कोई है वो है संभाजी महाराज। हमारे लोगों को अपना इतिहास पता नहीं लिखा है ये हमको पता होना चाहिए उस ग्रंथ को भी हमारे लोगों को पढ़ना चाहिए। बाकी 3 ग्रंथ और उन्होंने लिखे हैं एक तो बुद्धभूषण नाई का भेद नकसिक और 7 सप्ताह 3 जो ग्रंथ है वो हिंदी और भोजपुरी में लिखे हैं और 1 जो ग्रंथ है बुद्धभूषण नाम का ग्रंथ वो उन्होंने संस्कृत में लिखा है। तो भाषाओं का आज की तारीख में हमको क्या सीख मिलती है हम केवल इतना ही सीख लेना कि हम अपने बच्चों को कम से कम 3 भाषाएं जरूर ये अंग्रेजी कंपल्सरी मोस्ट कंपल्सरी भी एक तो वो करा दूसरा हिंदी और तीसरा अपनी मातृभाषा कम से कम 3 भाषाएं तो करा है बाकी आप संस्कृत करा सकते हैं अन्य जो भी भाषा है और जितनी भाषा है और वो भाषाएं हमें उनके इतिहास से ये सबक देती है हमको ये समझ में आता है कि बच्चों को यदि 5 साल की उम्र तक जितनी भाषाएं बोलना हम सिखा दे वो धीरे धीरे करके लिखना भी सीख सकते हैं ये हमको इतिहास से सबक मिलता है। साथियों जिजाऊ मां साहब के ऊपर यदि पवन जी और संयोजक विनोद कुमार जी प्रबुद्ध जी उन्होंने मुझे इस ओबीसी अधिकार मंच के द्वारा अपने विचार रखने का मौका दिया अपने भाई देव प्रताप जी की भी आभारी हूँ जिन्होंने देश के अनेक विचारकों को सुनने और समझने का अवसर दिया क्योंकि आज की सभा का विषय है राजमाता जीजाबाई के विषय में परिचय इतिहास संघर्ष को जानने और उनके जीवन से प्रेरणा लेना। आज हमारा ओबीसी समाज नारी शक्ति को एक पहचान एक शक्ति के रूप में आगे ला रहा है क्योंकि यही वो शक्ति है जो अपने संस्कार शिक्षा एवं दृढ़ संकल्प से शिवाजी जैसे छत्रपति सम्राट बना सकती है।
माता जीजाबाई का जन्म महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में 12 जनवरी 1598 को हुआ था। उनके पिताजी का नाम लाखूजी जाधव था, माता महलसाबाई थी। उनका विवाह बहुत ही कम उम्र में साजी भोसले से हुआ था, जो बाद में बीजापुर के सुल्तान के सेनापति हुए एवं उनके राजनयिक भी हुआ करते थे। उनके हौसलों को देखते हुए बीजापुर के सुल्तान ने तोहफे के रूप में बहुत सी जागीर भेंट की थी। उन्हीं में शिवनेरी का किला भी था, जहां पर शिवाजी का जन्म हुआ था। माता जीजाबाई को 6 पुत्री 2 पुत्र सांबाजी और शिवाजी के साथ रहती थी। क्योंकि साजी बीजापुर के सुल्तान के साथ हमेशा युद्ध में व्यस्त रहते थे, इसी कारण माता जीजाबाई के ऊपर तमाम जिम्मेदारियों का बोझ रहता था। साजी भोसले से अलग रहने के कारण उनकी और भी जिम्मेदारियां थी। उस समय लगभग पूरे भारत में मुगल साम्राज्य का शासन हुआ करता था। महिलाओं पर तमाम अत्याचार, उत्पीड़न, अंधविश्वास से घिरा था। उस समय की स्थिति को देखते हुए जीजाबाई ने शिवाजी को भी निपुण थी, जानकार थी। शिवाजी की चर्चा एवं बहादुरी के पहले हमेशा माता जीजाबाई का संघर्ष को याद किया जाता है। नारी शक्ति है जो समाज को बदल सकती है, समाज को दिशा दे सकती है। हमारे साथ इतिहास के प्रोफेसर बहन सुनीता सिंह जो झारखंड से हैं, वे हम सबको विस्तृत जानकारी, चिंतक और प्रेरणा का स्रोत है। बहन सुनीता जी प्रवीण कौशल जानकारी देंगी आगे। दरअसल हम सब ओबीसी भाई लोग जो अपने ओबीसी समाज के उत्थान के प्रति जागरूक हैं और सदैव चिंतक में रहते हैं। इस समाज के उत्थान कैसे हो, कैसे अपने अधिकारों को पाए और हमारा शोषण बंद हो। कुछ लोग जो गलत तरीके से हमारी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, राजभोग कर रहे हैं और हम पिछले पायदान पर ही रखे हैं। इन्हीं सब चीजों के कारण हम अपने महापुरुषों की और प्रेरणा देता है, चाहे वो ललई सिंह यादव हो, महाराज सिंह भारती, जगदेव कुशवाहा, पेरियर रामास्वामी, अंबेडकर, सावित्री बाई फुले, जीजाबाई, ये सभी महापुरुष हमारे हैं। ओबीसी एससी एसटी समाज के लोग थे। हमें अनेक विचार एवं कार्य को भी एक एनर्जी के रूप में ग्रहण कर अपने ओबीसी समाज में फैलाने की जरूरत है। हमें मूल्यांकन की जरूरत है। ओबीसी समाज की कौन सी स्थिति है जो बाधा है, और कौन सा विचार है एवं चिंतन है जो ठीक से दिशा नहीं दे पा रहा है। आज हमें शिक्षा एवं शिक्षित होने की ज्यादा जरूरत है। विचार एवं बदलाव की आवश्यकता है। निजी स्वार्थ त्यागने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में हर जाति के नेता पिछलग्गू जाति हो गई है। आज हमें हर जाति के समाज का नेता नहीं, ओबीसी समाज के उत्थान का नेता चाहिए। हमारे तमाम बुद्धिजीवी समाज सुधारक को इस दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि नेता सिर्फ अपने स्वाभिमान और अभिमान के चक्कर में ओबीसी का नशा कर रहा है। 70 से 80 के दशक में शिक्षित जानकार हुए अपने अधिकार और समाज की कुरीतियों से अवगत कराने लगे नायक महाराज सिंह भारती, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, स्वामी ललई सिंह यादव, अन्य समाज के बुद्धिजीवी लोग, फिर भी हम एक मंच पर नहीं आ सके। जात धर्म के चक्कर में फंसे हैं। जाति में ऊंच नीच, ब्राह्मण के आगे सब नीच। अंबेडकर के सपनों को साकार करने के लिए जनता दल का गठन हुआ और आरक्षण जैसी तलवार हमें मिली। नौकरी का अधिकार मिला, भले ही क्लास 3 की नौकरी थी। सही, काफी संख्या में लोग गांव से शहर की ओर आए, अपने अधिकारों को समझा, पर आरएसएस गंभीर होकर शोध एवं चिंतन शुरू कर दिया। नतीजा राम मंदिर के नाम पर समर्थन वापस, राम मंदिर नहीं आरएसएस बीजेपी ने आरक्षण और हमें उत्थान पर रोक लगाना शुरू कर दिया। हिंदू मुस्लिम के चक्कर में सत्ता आई, देश को बर्बाद कर दिया।
निजीकरण का चुप्पा सा छोड़ दिया है। बुद्ध जी भी चिंतक जल्द ही अपने उद्देश्य पर सफल नहीं होते हैं तो हमारी दशा बदतर हो जाएगी। गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, गुलाम खुद ही अपनी बेड़ियां तोड़ के फेंक देंगे। जय संविधान। धन्यवाद। सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को सादर नमन करते हुए आज के इस संडे फातिमा शेख का जन्म जयंती है तो इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगी। और आज हमको माता राष्ट्र माता जिजाऊ बाई के जीवन के ऊपर पे बोलना है तो मैं अपनी बात इसी विषय पर रख रही हूँ। साथियों, जिंदगी को गमले के पौधे की तरह मत बनाओ जो थोड़ी सी धूप लगने पर मुरझा जाए। जिंदगी को जंगल के पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता रहे। साथियों, वर्तमान में हमको संघर्ष के राह पर चलना है और समाज में फैले हुए अंधविश्वास और पाखंडवाद को दूर करने के लिए हमको जंगल के पेड़ की तरह अपने आप को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। और हमारी माताएं और बहनें अगर इसमें योगदान देंगी तो इस बात की प्रेरणा हमको माता जिजाऊ बाई के जीवन चरित्र से मिलता है जिन्होंने अपने जीवन में सभी परिस्थितियों को धैर्य के साथ सहन किया और हमको छत्रपति शिवाजी महाराज के जैसे योद्धा से भारत का परिचय कराया। माँ शब्द छोटा सा है परंतु समस्त संसार को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता इस छोटे से शब्द में है। माँ अपने बच्चों की प्रथम गुरु होती है। इस संसार में प्रत्येक बच्चा सर्वप्रथम अपनी माँ के साथ ही जुड़ता है। माँ का दर्जा सबसे ऊपर होता है। ऐसे ही प्रेरक मातृत्व का आदर्श हमारे सामने जीजाबाई का है। जीजाबाई छत्रपति शिवाजी महाराज की माता होने के साथ साथ उनकी मित्र, मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत भी थी। उनका सारा जीवन दरबार में ही राजनीतिक पद संभालते थे। वे एक बेहतरीन योद्धा भी थे। शाहजी भोसले के पिताजी का नाम मालोजी सिलेदार था जो बाद में तरक्की पाते हुए सरदार मालोजी राव भोसले बन गए। वैसे तो दंपति का वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखद था लेकिन उनके परिजनों की आपसी टकराहट ने तनाव को जन्म दिया था। शाहजी राजे और उनके ससुर जाधव के आपसी रिश्ते बिगड़ गए थे और जीजाबाई को पति और पिता में से दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ा और उन्होंने अपने पति का साथ दिया। उनके पिता ने निजाम शाही के खिलाफ दिल्ली के मुगलों से दोस्ती कर ली। वे शाहजी से बदला लेना चाहते थे। जीजाबाई अपने पति के साथ शिवनेरी के किले में ही रही और उनके प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। हालांकि उन्हें इस बात का दुख था कि उनके पिता और पति दोनों ही किसी और के शासक के अधीन काम करते हैं। उनकी इच्छा थी कि मराठों का अपना साम्राज्य स्थापित हो। दोनों की 8 संतानें हुई जिसमें 2 लड़के और 6 लड़कियां थी। शिवाजी उनके 2 बेटों में से एक थे। जीजाबाई को एक प्रभावी और प्रतिबद्ध महिला के तौर पर जाना जाता है जिसके लिए आत्मसम्मान और उनके मूल्य सर्वोपरि हैं। अपनी दूरदर्शिता के लिए प्रसिद्ध जीजाबाई खुद एक योद्धा और प्रशासक थी। उन्होंने बढ़ते शिवाजी में अपने गुणों का संचार किया। शिवाजी में कर्तव्य भावना, साहस और मुश्किल परिस्थितियों का सामना साहस के साथ करने के लिए मूल्यों का संचार किया। उनके देखरेख और मार्गदर्शन में शिवाजी ने मानवीय रिश्तेपन से ही वे उस युग के वातावरण और घटनाओं को भली प्रकार से समझने लगे थे। वीर माता जीजाबाई की मृत्यु 16 जून 1674 को हुई। वर्तमान परिस्थितियों के बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि हम अपनी भावी पीढ़ी को शिक्षा के प्रति जागरूक हमें अपनी भावी पीढ़ी को शिक्षा के प्रति जागरूक करना होगा। समाज को जागरूक करके ज्यादा से ज्यादा बालक बालिकाओं को विद्यालय से जोड़े और हर संभव उनकी मदद करें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी शिक्षित बने।
शिक्षित व्यक्ति को अपने अधिकारों का ज्ञान होगा, जब अधिकारों का ज्ञान होगा तो व्यक्ति अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए तैयार होगा, और अगर अधिकार प्राप्त नहीं होंगे तो वह उसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष करेगा। आज हमारे देश में अंधविश्वास और पाखंडवाद का बोलबाला है और हमारा समाज इस दलदल में फंसता जा रहा है। मृत्यु भोज और नशापान जैसे अनेक सामाजिक कुरीतियां हैं, इनका सामना करने के लिए पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी आगे आना होगा। महिलाएं पुरुष प्रधान समाज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर ही समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकती हैं। मैं आभारी हूँ अपने माता पिता की और अपने पति की, जिनकी बदौलत मैं आज आपके सामने हूँ, और सभी से आग्रह करती हूँ कि जितना भी समय मिले समाज को आगे लाने में अपना समय योग्य। मैं सर अपने रंगमंच के माध्यम से ही रख पाता हूँ, और वही मुझे इस मीटिंग में जो लोग भी जुड़े हुए हैं सारे जानकार लोग सब विद्वान हैं। थोड़ा बहुत छोड़ के लगभग सभी लोग जानते हैं और समाज से लगाव है तभी जुड़े हुए हैं, अन्यथा आदमी मीटिंग्स में जुड़ता भी नहीं है। ऐसे ही हम लोगों कार्यक्रम होते हैं कि कोई भी कार्यक्रम आप रखते हैं, 10 लोग मंच पे बैठ जाते हैं, 100 लोग सामने बैठ जाते हैं, मोस्टली वो सारे जगे हुए लोग। जो हमारा नाटक है वो किसी लड़कियों के स्कूल में रखा जाए, जिससे कि आगे जो है नॉलेज जो है ट्रांसफर हो सके। दोनों ने कहा ठीक है, हालांकि कोरोना की वजह से अभी सूचना आ रही है शायद वो दिल्ली के पास में है, शायद नहीं हो पाएगा। हमारी प्लानिंग ये थी, उसके पहले जो है प्रिंसिपल से बातचीत हो चुकी है। मैंने कहा जितनी भी लड़कियां देखने आएंगी उसमें 500 से 1000 के बीच में लड़कियां हैं और लगभग हॉस्टल में ही रहती हैं। पहले तो सर आज का जो संचालन कर रहे हैं ओबीसी अधिकार मंच का जो चर्चा है, जिसमें जीजा राजमाता जीजाबाऊ को समर्पित है आज का जो चर्चा, आज का जो वेबिनार, और राजमाता जीजाबाऊ के साथ साथ जितने भी महापुरुष हुए हैं भारत में जिन्होंने समता का संघर्ष किया और परतंत्र लोगों को स्वतंत्रता देने के लिए जब संघर्ष किया, जिनके साथ अन्याय हो रहा था उनके साथ न्याय करने का संघर्ष किया, जिनके साथ बैर भाव का बर्ताव हो रहा था उनके साथ बंधुत्व भाव का, जितने भी महापुरुष हुए हैं, मूल निवासी समाज के कहो, बहुजन समाज के कहो, ना पिछड़े वर्ग के लोग कहो, जिनकी आबादी देश में 90% है, 90%, उन सभी लोगों के सारे संघर्षों का अगर हम निचोड़ निकालें, उनको कंक्लूड करें, तो वो भारत के संविधान के रूप में हम उसको पाते हैं। और भारत का संविधान में एक चैप्टर है राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत, जिसको भारत के संविधान का चौथा भाग में समायोजित किया है। वो क्या है राज्य की नीति, उसके लिए संविधान का क्या आदेश है? वो राज्य की नीति है कि भारत को और भारत के लोगों को खुशहाल और समृद्ध रखना और उनका प्रोटेक्शन करना और शांति व्यवस्था बनाए रखना, है ना, और ये सारी जो बातें हैं, ये जिम्मेदारी है किसकी? हम भारत के लोगों ने ये जिम्मेदारी किसको सौंपी है? हम भारत के लोगों ने ये जिम्मेदारी सौंपी है उनको, जिनको 5 वर्ष में एक बार हम चुन करके भेजते हैं। वो भारत के नागरिक हैं, भारत के नागरिक ही भारत के नागरिक को चुनते हैं। चुनने वाले की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और जिसको चुना जाना है उसकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, ऐसा संविधान में लिखा है। और ये सभी लोग जब नामांकन करने जाते हैं, राज्य की जो ड्यूटी है, ड्यूटी ऑफ द स्टेट, राज्य का जो कर्तव्य है, वो भारत के संविधान में अनुच्छेद 36 से लेके 51, जो राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत है,
उसमें दिया गया है कि क्या करना है इनको, और वो 36 से लेकर 51 तक है। हम लोग 36 से लेकर के 50 तक इसी वेबिनार में प्रत्येक रविवार को एक अनुच्छेद को चर्चा कर चुके हैं, और चर्चा करते हुए आज हम 51 अनुच्छेद पर पहुंचे हैं। तो वो क्या कहता है अनुच्छेद 51, वो सर में रखने की कोशिश करता हूं। वो कहता है कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कहने का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे। कौन बढ़ावा देगा? राज्य देगा, जिनको हमने चुन के भेजा है। क्या वो अंतर्राष्ट्रीय शांति करने में और देश की सुरक्षा करने में क्या वो ऐसी नीतियां बना रहे हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित हो सके, और सुरक्षा स्थापित हुई जब वो बुद्धिज्म को उन्होंने अडॉप्ट किया, उसके बाद उनका पूरा जो प्रयास था वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के जरिए ही उन्होंने पूरे दुनिया के देशों के साथ एक संबंध बनाए, और वो इसमें वो सफल हुए। और इसका परिणाम क्या होता है, जब हम अपने देश के अंदर और देश के बाहर ऐसे प्रयास करने में जब हम सफल होते हैं, तो वो राष्ट्र, वो देश बहुत तरक्की करता है। अन्यथा बहुत सारा संसाधन को हम युद्ध के सामग्री में खर्च कर देते हैं, और अंततोगत्ता क्या हाथ लगता है, देश की बर्बादी लगती है, है ना। अभी तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हमने चुन के भेजा है, वो बाहर शांति और सुरक्षा की तो बात छोड़िए, अंदर का ही माहौल ऐसा कर दे रहे हैं कि शांति सुरक्षा को भंग करने में वो अपना योगदान कर रहे हैं। इसको मैं कह सकता हूं संविधान की शपथ लेकर के संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, है ना। और मैं इसको ऐसे भी समझ सकता हूं कि संविधान का उल्लंघन, ये संविधान द्रोह है, और संविधान द्रोह को हम राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में रख सकते हैं, है ना। तो आगे वो कह रहा है कि मेंटेन जस्ट ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रों के बीच क्या है, ऐसे रिलेशन होने चाहिए जो एक दूसरे के साथ न्याय कर सके, है ना। दूसरा, एक दूसरे का सम्मान को ध्यान में रखते हुए ऐसी हम नियम कानून बनाएंगे इस पार्लियामेंट में बैठ करके कि हम अन्य देशों के साथ भी न्याय कर पाएंगे और उनका सम्मान भी कर पाएंगे, है ना, और वो लोग भी हमारे साथ न्याय कर पाए और हमारे राष्ट्र का सम्मान कर पाए। इस तरह के हमारे प्रयास होंगे। उसके बाद लिखता है, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि संधि बाध्यता के प्रति आदर बढ़ाने का एक काम और करना है इन्हीं लोगों को, जनप्रतिनिधियों को, राज्य को, जिसको हम सरकार कहते हैं, उसको क्या करना है, जो ऑर्गेनाइज लोग हैं, मतलब एक व्यक्ति अपने आप में भी ऑर्गेनाइज हो सकता है और बहुत सारे लोग भी अपने आप में ऑर्गेनाइज हो सकते हैं। तो ऑर्गेनाइज का मतलब क्या हुआ, यूं कह सकते हैं कि जो हमारी जो इंडिया क्या है, एक यूनियन है, एक संघ है। आर्टिकल 1 में हम पढ़ते हैं संविधान के अनुच्छेद में कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं ज्योग्राफिकली, है ना, जिसको प्रदेश कहते हैं, उन लोगों के बीच में ये रिलेशन जो है ना बहुत अच्छे होने चाहिए, और क्या है कि वो अंतर्राष्ट्रीय लॉज को, भारत का प्रत्येक लोग सम्मान करें, अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो ट्रीटी हुई है
जो समझौते हुए हैं उनको भी वो प्रमोट करें। ऐसे नहीं कि स्टेट ने तो फैसला किया अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने का, है ना, अंतर्राष्ट्रीय लॉ बनाने का, जो अंतर्राष्ट्रीय लॉ कानून है उनका सम्मान करने का, और भारत के नागरिक नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा कब करेंगे भारत के नागरिक, जब स्टेट खुद संविधान का उल्लंघन करके कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि कर रहा है ना। उस कंडीशन में भारत के जो नागरिक हैं, क्योंकि भारत के नागरिकों के कर्तव्य में लिखा है, पहला ही कर्तव्य लिखा है अनुच्छेद 15 होगी, वो आगे कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों के माध्यम एवं स्तंभ एवं निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का काम करेगा। तो ये लास्ट पॉइंट है, इंक्रीज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाई आर्बिट्रेरियन। क्या करेगा, अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद हो जाते हैं, है ना, एक देश के बीच, दो देशों के बीच में या अनेक देशों के बीच में, इसको भी हमारा जो इंडियन स्टेट है जिसको भारत की सरकार कहते हैं, राज्य कहते हैं, वो इसमें भी रोल अदा करेगा। क्योंकि इसमें रोल अदा करने से एक एडवांटेज होता है भारत को, क्या, कि अन्य देशों में अगर झगड़ा होता है और अपने पड़ोसी मुल्कों के बीच में झगड़ा होता है तो उसका असर आपके ऊपर भी आता है। जैसे पड़ोस के घर में आग लग जाए तो हमारा घर जो है ना आग की चपेट में आने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये जो चार पॉइंट है, ये मैं इसलिए इसको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी जिनको हम चुनते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में, उनको होश पूर्वक इस अनुच्छेद को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि वो राज्य का हिस्सा है। ध्यानपूर्वक सुना और मैं आवाज मिल रही मेरे, जी सर आ रही है। सर्वप्रथम माता लीलाओं को नमन करता हूँ और साथ ही आप सभी साथी आयोजकों और सुनने वालों को भी प्रणाम करता हूँ जो समाज के इस महत्वपूर्ण विषयों पर आप सब जुड़ते हैं, चर्चा करते हैं, बातें करते हैं, बातों से रास्ते निकलते हैं, बातों से ही समाधान निकलते हैं, समाज को संदेश जाते हैं। मुझे याद है जब हम पहली बार जुड़े थे तो हमारे वेबिनार में 7-8 व्यक्ति थे और आज मैं देख पा रहा हूँ कि लगभग 50-55 के आसपास बुद्धिजीवी जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस वेबिनार में जुड़ने वाले सामान्य व्यक्ति नहीं है मेरी नजर में, सभी अपने अपने क्षेत्र के सुलझे हुए पढ़े लिखे शिक्षित और समझदार व्यक्ति हैं। इन सब के बीच में बोलने में गर्व महसूस भी होता है और ये महसूस भी होता है कि हम जब आपके साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर तो हमें भी कुछ ना कुछ जरूर अच्छा सीखने को मिलेगा और अच्छा बता पाएंगे। उनका जीवन, जन्म और उनका जन्म स्थान, उनका घर परिवार सब, सर्वप्रथम जो अपने निर्मल जी बोले थे उन्होंने बड़ा विस्तार से बड़ा रोचक विषय के रूप में हमें बताया और साथ ही साथ हमें भी बहन जी बोल रही थी उन्होंने बहुत अच्छा बताया। मैं थोड़ा सा इन सब से हटकर थोड़ा सा अलग बातें करना चाहता हूँ, यद्यपि जुड़ी हुई हाँ सारी बातें, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी प्रथम गुरु माता होती है। जन्म के साथ जब माँ से बच्चे की आंखें मिलती हैं तो उसी समय वो उसे सीखना शुरू कर देता है कि संसार में उसे किस प्रकार से जीना है। और इसमें कि बेटा आगे जीवन में क्या करेगा, क्या बनेगा, किस प्रकार से अपने जीवन को चलाएगा, इसमें माँ की भूमिका सबसे बड़ी होती है। और इस भूमिका को सिद्ध करने में राजमाता जीजाबाई का नाम लेना कोई गलत नहीं है, कोई उनके पति की मृत्यु हुई, पति की मृत्यु होने के बाद जैसा कि निर्मल जी बता रहे थे कि प्रथा के अनुसार माता जीजाबाई को क्षति होना था और क्षति होने के लिए तैयार हुई, तभी उनको रोक लिया गया
उनसे अरदास की गई कि माता आप इसे प्रथा से अपने आप को दूर कीजिए। और राज माता लीलाबाई तैयार हुई उसके लिए और सारे सारे समाज को पूरे देश को यह संदेश दिया कि ये प्रथा नहीं है, ये प्रथा है। जिस कुप्रथा को बाद में बताया जाता है कि राजा राम मोहन राय ने अपने प्रयासों से अंग्रेजों के साथ मिलकर बंद करवाया, उस कुप्रथा का एक सामाजिक संदेश तो राजमाता जीजाबाई ने पहले ही दे दिया था। और मैं जब आदरणीय संतराम बीए को पढ़ रहा था तो उन्होंने अपने पुस्तक मेरे जीवन के अनुभव में बाकायदा लिखा है, वो लिखते हैं कि इस देश में सती प्रथा से बेवकूफाना बेकार मूर्खतापूर्ण कोई प्रथा हो ही नहीं सकती। कहते हैं कि जब मोहम्मद गोरे ने कहते हैं कि जब मुस्लिमों ने आक्रमण किया राजपूतों के ऊपर तो उनकी हजारों हजार नारियां सती प्रथा करके जोहर करके मर गई थी, तो वो कहते हैं कि ये कितनी बड़ी बेवकूफाना हरकत थी। अगर वो 1000 महिलाएं उन विदेशी शासकों विदेशी सैनिकों के खिलाफ खड़ी हो जाती तो हमारे देश का कितना बड़ा भला होता, अगर वो उनको दुश्मन मानते थे तो। और उसी प्रकार से एक पति के मरने के बाद एक महिला जो जीवित है उसका अपना भी एक जीवन है, उसका खुद भी उसके बच्चे हैं पीछे परिवार है, उन सब की तरफ कोई ध्यान न देकर उसको जबरदस्ती उस आग में झोंक दिया जाता था, इससे भयानक प्रथा और इससे मूर्खतापूर्ण प्रथा और हो ही क्या सकती है। तो राजमाता जीजाबाई ने अपने बच्चे को संभाला, अपने परिवार को संभाला, इस प्रथा से बाहर आई और अपने पुत्र को सहारा दिया और कहा कि तुम अपना राज्य स्थापित करो और इस संसार को बताओ एक बेटे की और एक माँ के साथ मिलने शक्ति क्या होती है। सर्वप्रथम उनके पालन पोषण की बात आती है, पति के न होते हुए भी उन्होंने अपने बेटे का पालन पोषण किया और पालन एक अच्छे योद्धा और एक अच्छे मनुष्य के रूप में तैयार किया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण शिवाजी महाराज हैं जो एक अच्छे व्यक्ति तो थे ही साथ ही साथ एक बड़े योद्धा भी थे। अगली तिथि आती है कि पालन पोषण के साथ साथ शिक्षण, शिक्षा की कोई जैसे आज हमारे परंपरा है व्यवस्था है विद्यालय है दूसरी अन्य व्यवस्थाएं वो उस समय नहीं थी। बड़ा बेटा और पति जेल में थे, वो अकेली थी, साथ ही साथ हमले का डर था, दुश्मन आरिफ में बुरी नजर रखता था और उसके बाद भी अपने बेटे को न केवल पढ़ाया और उसको बड़ा विद्वान बनाया। निर्मल सर ने कितनी पुस्तकों का नाम लिया, एक हाथ में तलवार होती थी एक हाथ में कलम होती थी। और बाबा साहब ने भी इसीलिए कहा है कि तानाशाह तलवार से नहीं कलम से डरता है। और मैं महाराज शिवाजी के इस सफलता के पीछे तलवार के साथ साथ जो उनकी कलम का जो वार था उसको मैं बहुत बड़ा कारण मानता। और इस सारे कार्य में माता जीजाबाई का पूरा सहयोग है, साथ है और उन्होंने उनको इस प्रकार से तैयार। कृष्ण मूर्ति भास्कर कुलकर्णी नाम के एक ब्राह्मण ने उनकी गुप्तरी की, जब वो अफजल खान से मिलने गए थे तो कहते हैं कि उनके ऊपर पाप भी किया था। और उसी अफजल जिसके साथ इनकी मुलाकात के साथ साथ इनकी मृत्यु का षड्यंत्र रचा गया था, उस अफजल गुरु को मारने के बाद महाराज शिवाजी ने उनका मकबरा खुद अपने हाथों से बनवाया था। और उसी मकबरे के निर्माण के साथ उन्होंने ये सिद्ध किया कि उनका किसी धर्म के साथ किसी प्रकार की अदावत या किसी प्रकार की कोई नफरत उनके मन में नहीं, उनके लिए सब धर्म बराबर है, सब लोग बराबर। ये इतना बड़ा उदाहरण है अपने शत्रु के प्रति सम्मान का कि अन्यतर ये चीजें देखने को हमें नहीं मिलती, ये सिर्फ हमें शिवाजी महाराज जैसे बड़े व्यक्तित्वों के व्यक्तित्वों में ही देखने को बातें मिलती हैं जो हमें सीखनी चाहिए। अब आगे आता हूं मैं, जब उन्होंने अपनी राजसत्ता संभाली तो उसमें अपने राजकाज को चलाने के लिए उन्होंने किसी धर्म विशेष की न परवाह की, उन्होंने किसी धर्म विशेष को अपना अगुवा बनाया, बड़ा अधिकारी। वो सिद्धि मुसलमान था, सिद्धि संभल नाम से उनका नाम था, जो उनका सबसे बड़ा सिपाही सलार था नौसेना का। और एक रोचक तथ्य यही सामने आता है, जब अफजल गुरु के पास वो गए थे और उनकी हत्या की कोशिश की गई अफजल खान द्वारा और कृष्णमूर्ति भास्कर कुलकर्णी के द्वारा, तब वहीं पर
शिवाजी महाराज को आगाह करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था रुस्तमे जमा, जो एक मुस्लिम था। उन्होंने शिवाजी महाराज को आगाह किया था कि महाराज आप जिस व्यक्ति के पास जा रहे हो भरोसे के काबिल नहीं है, इसलिए आप सुसज्जित होकर और तैयार होकर जाएं। इसी कारण से शिवाजी महाराज ने अपनी कमर पर सुरा और अपने हाथ में एक मारक यंत्र रखा था जिसके द्वारा उन्होंने अफजल खान की हत्या की। अन्यथा शिवाजी महाराज की हत्या का पूरा उनका उनकी योजना थी, उस ब्राह्मण के साथ मिलकर उनको मार डालते। एक और बड़ा रोचक किस्सा आता है, जब शिवाजी महाराज ने एक जगह जीती तो वहां से उनके सैनिक एक महिला को पकड़ लाए। वो महिला वहां के नवाब की पुत्रवधू थी, परंतु जैसे ही राजमाता जीजाबाई को पता चला और शिवाजी महाराज को पता चला, उन्होंने अपने सैनिकों को बड़ा डांटा और उनसे कहा कि इनको बाइज्जत बासम्मान और पूरे प्रेम से और संभाल कर उनके घर वापस छोड़ के आओ। तो महिलाओं के प्रति ये सम्मान, धर्म के प्रति सम्मान, सबके धर्म के प्रति, और किसी भी जाति को ऊंचा या नीचा न समझना, ये इस प्रकार का व्यक्तित्व राजमाता जीजाबाई ने तैयार किया शिवाजी महाराज में, जो हमें अंततः है शिवाजी महाराज को तो महान बनाता ही बनाता है, साथ ही साथ राजमाता जीजाबाई को भी बहुत महान व्यक्तित्व की धनी महिला स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई अड़चन हमारे अंदर नहीं आने देता है। औरंगजेब का शासन आप सब जानते हैं, उस समय देश में चारों तरफ फैल रहा था और उनके इस भारत विजय में कोई एक कांटा था तो वो सिर्फ शिवाजी महाराज ही थे। तो शिवाजी महाराज को हराने के लिए वो हर तरह का प्रपंच करते थे और इनको हराने के लिए उन्होंने अपने सेना किसी पैसादार जयसिंह को भेजा। अब आप अंदाज लगाइए, औरंगजेब के सिपहसालार जयसिंह हैं और शिवाजी महाराज के जो सिपहसालार हैं वो सिद्ध संबल हैं, वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ हैं। और हमें ये सिखाया जाता है, ये बताया जाता है उस इस देश के पाखंडियों द्वारा कि शिवाजी महाराज तो हिंदू शासक थे, उन्होंने तो 8 मंत्रियों का उनका राज दरबार था जिसमें प्रत्येक को अपने महकमे बटे हुए थे। युद्ध के महकमे कोई अलग संभालता था, शिक्षा के कोई अलग संभालता था, धर्म और समाज के मसले कोई और संभालता था, और जमीन और वित्त के मसले और संभालता था। और सबको ये हिदायत थी कि किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भी अत्याचार या दुराव न हो, किसी के साथ भी अन्याय न हो, सबको उसके हक मिले, सब बराबर है, सबके लिए उन्होंने व्यवस्थाएं की थी। ये अलग बात है कि उनकी सत्ता बहुत ज्यादा नहीं चल पाई और उनको युद्ध में वीरगति को प्राप्त होना पड़ा, परंतु उनका शासन जो स्थापित हुआ वो बाद में हमें तीसरी पीढ़ी में जाकर शिवाजी महाराज गुरु हेलो हाँ नमस्ते जुड़िए बेटा जुड़िए नहीं नहीं वीडियो कॉल नहीं, गूगल मीट है ना, गूगल मीट आपके मोबाइल में है, ऑनलाइन क्लास व्लास करते थे गूगल मीट से अलग एक बराबरी की सब की और एक इस भारत को एक करने की सत्ता के रूप में स्थापित किया। मैं उनको बड़ा प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और मैं अगले वक्ताओं से निवेदन करता हूँ कि अब वो अपना संडे प्राइम टाइम में जुड़े सभी वक्ता श्रोताओं का स्वागत करते हुए और भारत के सभी मूल निवासी सभी को मैं सादर नमस्कार, जय भीम, जोहार, नमो बुद्धाय, जय सरदार। आज जैसा कि बहुत जानकारी बहुत कम है फातिमा शेख के बारे में, आज उनका जन्म जयंती भी है, हालांकि दो बताया जाता है लेकिन मना रहे हैं लोग, तो मैं सावित्रीबाई फुले आधुनिक शिक्षा की देवी क्रांतिकारी माँ सावित्रीबाई फुले को साथ देने वाली माँ फातिमा शेख को दिल से नमन करती हूँ। और अभी आज जो हमारा टॉपिक है माता जिजाऊ पर,
जो शिवाजी के मां रही है। मुझे इन पर बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं है, लेकिन जितनी शौर्य वीरता का प्रतीक इतिहास में थोड़ा बहुत भी मिलता है, और इधर भी थोड़ी बहुत जानकारी है, और हमारे बीच हमारी बहन ने रखा भी, क्योंकि मेरे पास प्रतिदिन भेजते हैं कुछ न कुछ, मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ, छोटा छोटा रहता है इसलिए मैं पढ़ भी लेती हूँ। तो मुझे पढ़ने का शौक तो है, बहुत शौक है, अगर मेरे पास है तो उसमें लिखना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, मेरी माँ जब हम इंटर में गए कॉलेज में तो लोग पढ़ाना नहीं चाहते थे, लेकिन मुझे पढ़ने का शौक था। भैया पटना MBBS कर रहे थे BMC में, तो मैं हम लोग इतने बाद हम देख लेंगे। तो ये हौसला जो पीछे पीठ पीछे मिलता है ना, ये पर ये बहुत काम करता है। तो जागरूक होना कि हमारे बच्चे का भविष्य, हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य, अगर इसके लिए कोई चिंतित नहीं है तो मेरे ख्याल से चिंता करनी चाहिए। और 50% महिलाओं की हिस्सेदारी, तो मैं यहाँ भी कोशिश करूंगी और आगे भी कोशिश करूंगी दूसरे जगह पर भी, कि हमारी महिलाएं भी। इस बात हो रही थी, मैं यहाँ लेट से जुड़ी, कारण था कि मैं दूसरी मीटिंग बाबू जगदेव को, उसमें मतलब उनका लाइफ जो था वो बहुत स्ट्रिक्ट था, एकदम लड़ने मारने मराने वाले उनका था भी। एक ने कहा कि ऐसा नहीं कर दीजिए, सभी समाज को ध्यान में रखते हुए पिक्चर को बनाए। अब सभी समाज को क्यों ध्यान में रखते हुए, वो दिन दहाड़े घेर के सामने सीना पर गोली मारता है, जब पानी पानी करते हैं तो टॉयलेट करता है, वैसे तो दिखाना करना पड़ेगा। पता नहीं कितना पिक्चर में कर पाएंगे, मैं नहीं बता सकती फिलहाल, लेकिन इस तरह की स्थिति तो थी। जो भी इस फोरम से जुड़े हुए हैं, सबसे ज्यादा अगर कुठाराघात हुआ है मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से, अगर शोषण किसी का सबसे ज्यादा हुआ है, तो वो कमेरा वर्ग, वो जीवी वर्ग, हम ओबीसी वर्ग के लोग हैं। क्योंकि हमारे लोगों के पास जमीन है, हमारे लोगों के पास बिजनेस बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले था, बट अधिकार नहीं था। आप देखिए, खेती जरूरत की चीजें होती हैं बनाने के लिए, वो सारे बनाने वाले आर्ट, मतलब क्या बोलिए, शिल्पकार जो सारे वो ओबीसी वर्ग में है। तो वो एक कहावत भी है कि कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला, तो हमारे लोग भटका देते हैं हमारे लोगों को, और सुन भी लेते हैं। क्या ज्योतिराव के पिताजी को नहीं भटकाया गया था, उनको भी शिक्षा, उनकी अगर 21 साल में वो सातवां पास करते हैं तो कितना टूटते वो अपना देश में। अब मैंने कहीं जर्मन की कुछ डिबेट विषय में जो हमारे वक्ताओं ने वो विस्तार से उनके बारे में जो जानकारी दी है, तो ऐसे लगा कि जैसे उनसे आज हम मिल रहे हैं, हम जीजाबाई से गले मिल रहे हैं, हम उनकी गोद में है, वो हमें सहला रही है, वो हमें एनकरेज कर रही है, वो हमें हमारे अंदर वो मैडम जो प्रोफेसर सुनीता जी बोल रहे थे, वो NCC से ताल्लुक है उनका, तो वो हमें कह रही है कि उठो और अब वक्त आ गया है, अब मत सो। तो ये एक बेहतरीन मीटिंग है आज की, और मैं धन्यवाद करता हूँ देव प्रताप जी का, जिन्होंने शुरुआत में इसको इसके संचालन किया, और बंस सिंह जी ने, हमारा बच्चा है शायद, या माइट बी यंग बॉय, आई डोंट नो एग्जैक्टली, उसने हिंदी में कुछ पढ़ा और उसको इमीडिएट फिर जो प्रीएम्बल को संशोधित किया प्रबोध जी ने, कि इन्होंने उसमें भी कार्तिक और दूसरा मतलब मनुवादी तरीके उसमें डाल दिए कुछ। तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है, हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो किताबें हैं, ये इनमें भी बड़ी इन्होंने लिपापोती कर दी है, ये हिंदी में खासकर। इंग्लिश में तो अभी 2020 में पब्लिश हुआ था विद अमेंडमेंट्स, तो हमें वो ही कॉपी लेनी चाहिए। एंड आई ऑल्सो एप्रिशिएट विधानसी प्रजापति, वाओ शी ऑल्सो उसने प्रीएम्बल को, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को इंग्लिश में पढ़ा। आई अप्रिशिएट हर wonderful interpretation and how she presented all the things, Bans Singh and Vedansi Prajapati, a lot of blessings to both of you. Uske baad fir hamare jo agle jo speaker aaye, Vinod Kumar
कुमार प्रभुत जी ने वही हिंदू हिंदी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया और बताया कि जो जीजाबाई हैं वो राष्ट्र माता हैं और ऐसी और भी हमारे समाज की जो माएं हैं जिनके बारे में हमें जानना है और जिनके जिनकी गोद में बैठना है, वो जो एक फिलोसफिकल जो रिश्ता है वो पैदा करना है ना। बहुत इंस्पिरेशनल उनका एक व्याख्यान था। निर्मल कनाथे जो जिन्होंने जीजाबाई के बारे में बड़ा विस्तृत हमें ज्ञान दिया, मुझे उम्मीद है शायद निर्मल जी शायद हो सकता है जीजाबाई और शिवाजी और संभाजी शायद इनके किसी पूर्वज को भी जानते होंगे क्योंकि उनको बड़ा बेहतर ज्ञान था और ये जानकारी मिली हमें कि सती प्रथा का अंत करने वाली जीजाबाई थी, उन्होंने उन्होंने उसको धिक्कार दिया उस सारी प्रथा को और अपने अपने पति की अपने हस्बैंड की डेथ के बाद वो सती नहीं हुई, उसने फोर्सफुली उसको उनका विरोध किया उन सारे ब्राह्मणों का या जो भी गुंडे उस टाइम उसको चिता में जलाना चाहते थे। ये बेहतरीन उनका उन्होंने बताया हमें। और जो उनकी जो जीजाऊ जीजाबाई माता ब्रिगेड है भोपाल में वो किस प्रकार से बेहतरीन काम कर रहे हैं माता जीजाबाई के ऊपर, ये भी काबिल तारीफ है। इनके जो परिवार के विषय में इनके जो यादव और भोंसले और कुल भी इनके बारे में और जो सतनमाहन जो कुल थे से तिलक नहीं किया था, हालांकि बड़ी प्रचलित धारणा है और ये ब्राह्मणवादी बड़े बदमाश होते हैं, उस जमाने में तो बिल्कुल अंधेर युग था, उनकी पूरी तूती बोलती थी, तो ये एक डिबेटेबल इश्यू है, पता नहीं कैसा हुआ होगा। लेकिन जो शिवाजी और संभाजी महाराज को जब राज तिलक हुआ 6 जून 1674 को और तभी ये फसली कैलेंडर की शुरुआत हुई और ये भी हमें पता चला कि कितने वो अच्छे लेखक भी थे जिन्होंने बुद्ध भूषण एक ग्रंथ लिखा संस्कृत में संभाजी महाराज ने, ब्रज भाषा में हिंदी में, और समाज के उत्थान के लिए लिबरेशन के लिए कि हम आजाद हों। बाकी जो मनुवादी प्रथाएं थी या जो भी एक ट्रेडिशनल सोसाइटी थी उसमें तो गुलाम बनाओ कि मैं राजा हूं और मैं सबसे ऊपर बैठूंगा, आप मेरी खिदमत करें, लेकिन ये वो राजा थे हमारे से, ये लोग थे जो हमारे पूर्वजों से जो हमें प्रेरणा मिलती है उसमें जीजाबाई का उन्होंने बहुत ही विस्तृत एक व्याख्यान हमें दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी। उसके बाद फिर तब बनारस से हमारे साथ जुड़े जिन्होंने ये काफी बड़ा प्यारा उन्होंने इसके बाद एक्सप्रेशन दिया और जो मैं उनसे जो मैं डिसाइफर कर पाया कि उनकी सारी बातें बहुत ही एक अलग संदर्भ में उन्होंने पेश की, तो मुझे लगा कि जीजाबाई 76 साल के लगभग जिए और शिवाजी महाराज जो है 50 साल जिए और संभाजी 32 साल जिए। और आप देखेंगे कि 1630 में 1664 में 74 में जीजाबाई माता जी की मृत्यु होती है तो 1680 में शिवाजी की हो जाती है, 4 साल के भीतर ही शिवाजी जी की अपना हत्या हो जाती है और उसके बाद फिर संभाजी भी जो है वो भी उसके लगभग 9 साल के बाद वो भी फिर उनकी मृत्यु 1689 में हो जाती है। तो ये मिसेस डाली यादव सी एक्सप्लेन इट इन अ वंडरफुल वे है, थैंक यू, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कंवल किशोर प्रजापति जी मेरे ख्याल से वेदांशी उनकी बिटिया है जिन्होंने आज प्रियम्बर पढ़ा और उन्होंने संतराम बीए के ऊपर संतराम बीए प्रजापति के बारे में उन्होंने पीएचडी की हुई है, ये बेहतरीन उन्होंने बात बताई। लेकिन अफजल खान के बारे में जो 7 फुट का था बदमाश था और जिसने शिवाजी छत्रपति के बड़े भाई को भी की हत्या की थी, शिवाजी कद में छोटे थे, तो ये जो एक प्रचलन है कि रुस्त में जामा ने कहा था कि तू आप वो एक लेके जाओ अपना बाघ नाक लेके जाओ और उसको नहीं तो तुम्हें मार देगा, और निर्मल जी ने हमें बताया कि ये जीजाबाई माता जी ने कहा था उनको कि बेटे आप सावधान रहना, इसी ने तेरे बड़े भाई का कत्ल किया था और ये तुझे मार सकता है और इससे बच इसको
मौत की घाट उतार दे। तो ये इसमें कुछ और मेरे ख्याल से फर्दर रीडिंग की, फर्दर रिसर्च की, और ये बड़ा अच्छा है। इस टाइप के कॉन्ट्राडिक्शन आने चाहिए, तो क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन जब हम करते हैं या रिव्यू करते हैं किसी भी अपने महापुरुषों को, तभी जाके सच्चाइयां और बेहतर एक हम अपने बच्चों को एक बेहतर जानकारी उनके विषय में दे सकते हैं। और ये जो मेरे ख्याल से जो जो एक पुरंदर का जो जो ट्रीटी हुई थी, वो इस सारे वृतांत में उसका भी जिक्र है, क्योंकि उसमें जीजाबाई का एक वक्तव्य रहा है। हमारे एक प्रोफेसर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, उनसे कभी चर्चा हो रही थी मेरी एक बार, तो वो बता रहे थे कि जीजाबाई वो इतनी एडवांस थी कि सारी जो इवन उस टाइम में जो ब्रिटेन का जो अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम था, वो उनको उनके बारे में भी उनको बड़ा ज्ञान था। वो अपना वो इंग्लिश भाषा की जानकार हो, एक लगन है, इज ए वंडरफुल मिशनरी। और ये हमेशा कोई यहाँ मीटिंग होती है, कोई बैंगलोर से चंडीगढ़ आ रहा है, तो इमीजिएटली वुड कॉल मी कि आप ऐसे वहां मिल रहे हैं और ऐसे आप मिले। और ये बहुत ही गजब का एक उनका एक मैसेज है, कितने फोन करते होंगे शायद दिन में। और उन्होंने 3 साल जीजाबाई के बारे में रिसर्च की, उनकी वाइफ भी एक बेहतरीन कलाकार है, उनको हमने काफी सुना है अपना यूट्यूब के माध्यम से, और हमारा भी प्रोग्राम था कि वो इधर उनको एक बार बुलाएंगे, थोड़ा कोरोना का जो आफत है ये कम हो जाए। और पर मैं AK सिंह जी को बताना चाहता हूँ कि ये जो रंगमंच का विषय है, ये हमारी समझ में नहीं आता, ये कुछ खास लोग होते हैं जिनको ज्यादा समझ में आता। हम तो पर खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। तो लेकिन जो रंगमंच है उसकी पहुंच बहुत गहरी है, बहुत डाउन, और सभी उसको लाइक करते हैं। रंगमंच को हम पसंद करते हैं, लेकिन वहां पर पहुंचना, उस विधा को ऐसे लेके जाना, ये बेहतरीन काम किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद AK सिंह जी। और हम कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करते रहते हैं सारा दिन, बीइंग इन द हाई कोर्ट, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के ऊपर ही हमारा सारा जो हमारी पिटीशंस हैं वो चलती हैं। पर ये बहुत ही इन्होंने इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी जान डाल दी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो इसको हम एक्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ये देश का कानून है। और जो आज हम जो 51 आर्टिकल के जो जो चर्चा चल रही है, ये आप देखेंगे इसमें आर्टिकल 51 में हमारा ये इसका बड़ा विरोध हुआ। 51 का जब डिबेट चल रही थी तो ये आर्टिकल 40 था पहले, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1948 में इसके ऊपर डिबेट शुरू हो गई थी। और इसकी डिबेट में कुछ लोगों ने कहा था इसमें धार्मिकता डाली जाए, इंडियन स्पिरिचुअलिटी या इंडियन हिंदुत्व समथिंग, जो हिंदू महासभा के लोग थे या जो जो मनुवादी लोग थे, उन्होंने बड़ा विरोध किया। और बाबा साहब जी इसमें अड़े रहे, और बाबा साहब ने तो ये मंशा जाहिर की थी कि मुझे तो ये उम्मीद है कि ये जो हमने आर्टिकल 51 के जो टेनेट्स हैं कि हमें इंटरनेशनल शांति को बढ़ाना है और हमें एक ये करना है ऑर्गेनाइज्ड लोगों के अंदर, ये जो इसका सी पार्ट है, वी हैव टू फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस इन द डीलिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल्स विद वन अनदर। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एंड एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, हम उनको आपस में जो हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको प्रमोट करें। और बाबा साहब जी का तो ये मकसद रहा था तभी 48 में, कि मुझे तो उम्मीद लगती है ही वॉज होपफुल कि ऐसा समय आएगा कि जब सारा जो वर्ल्ड की गवर्नमेंट होगी, ये सब बॉर्डर खत्म हो जाएंगे, ये सब ये जो ऊंच नीच के जो भेदभाव है ये खत्म हो जाएंगे, ये ब्राह्मणवादियों का सारा वर्चस्व विनाश हो जाएगा, और एक सॉवरेन जो जिसकी सॉवरेंटी के ऊपर हम जो पंगे कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं हमने इकट्ठी कर रखी है, नेशनल सॉवरनिटी, ये सब खत्म हो जाएगा और एक वर्ल्ड का एक ढांचा बनेगा जहां पर कमेरे लोग, काम करने वाले लोग, अर्जक लोग, OBC जो जिसके हम जो हमारे पूर्वजों का सपना था, ये भी आर्टिकल 51 का ही पार्ट था। देखते हैं कितना समय लगता है, लेकिन ये बड़ी अच्छी आशा रही है। कमल किशोर जी, कमल किशोर जी हमेशा, सुरेश चंद्र जी सॉरी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच सुरेश जी।
फिर पुष्पा कमल जी आए जो टीचर हैं और जिन्होंने फातिमा शेख को याद करते हुए ये बताया कि जो हम एक गमला ना बन जाएं, फ्लावर पॉट ना बन जाएं, हम एक नेचुरल पेड़ बने, एक वृक्ष बने, ताकतवर वृक्ष बने। और माँ एक पहली एक टीचर है, वो उससे हम सीखते हैं। और जो जो शिवाजी की माँ जो है जीजाबाई, वो उनकी फ्रेंड थी, वो मित्र थी उनकी। ये बहुत ही गजब का उनका एक उन्होंने प्रैक्टिकल कैसे बनना है हमने। और मेरे ख्याल से हम ये बीज बोए जा रहे हैं। आज ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, माता जीजाबाई से, हम उनके उन एहसासों को महसूस कर पा रहे हैं। आज हम उनकी लोरियों को सुन पा रहे हैं, आज हम उनके उस थापड़े को सुन पा रहे हैं जो उन्होंने थापड़ा हमें दिया था, जो उन्होंने ब्लेसिंग्स हमें दी है। फिर प्रोफेसर सुनीता जी तो या वो प्रोफेसर सुनीता जी तो हमारे एक क्रांति के एक सूत्रधार हैं और एनसीसी के ऑफिसर, एनसीसी वंडरफुल। और या उन्होंने वो कहते हैं कि मैं आई प्रेफर बुक्स और ब्रेड, तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। ये तो इतिहास में जाएगा, ये तो एक कोटेशन है उनका, पेटेंट राइट कोटेशन। और उन्होंने अपनी माता, अपनी दादी जी के बारे में जो कैसे उन्होंने लिंक किया, दिस इज ए वंडरफुल स्टोरी टेलर सुनीता सिंह जी, एंड सी प्रेजेंट थिंग्स इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर। और उनके भाई पटना में MBBS हैं, और चाहेंगे कि वो भी कभी जुड़े तो दैट वुड बी वेरी बहुत गजब का एक समा रहेगा। और वो कहती हैं कि मैं डरती नहीं, आई एम बोल्ड। या ये बहुत ही बेहतरीन स्टेटमेंट है उनकी, ये बच्चियों में